नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं बनाने जा रहा हूँ वाटरमेलन का चटपटा सा जूस। तो जिसके लिए मैंने ये देखिए वाटरमेलन लिया हुआ है एक, और मैं जब इसे मार्केट से लेके आया था तो मैंने लगभग इसे 1 घंटे के लिए पानी में डुबो के रखा था। तो जब भी जैसे आप वाटरमेलन लाएं तो, या कोई और फल भी लाएं, तो उनको भी पहले आप पानी में डुबो के रखिए, फिर उसके बाद उसे काटिए और खाइए। तो ये देखिए वाटरमेलन को मैंने काट लिया है, और आप इसका रंग देखिए कितना बढ़िया लाल है। और अब हम इसका जो है शरबत तैयार करेंगे। तो मैंने देखिए एक मिक्सर जार ले लिया जूस बनाने के लिए, और ये देखिए चम्मच लिया। चम्मच की सहायता से ये देखिए तरबूज का जो पल्प है, जो लाल वाला हिस्सा, वो निकालते हुए मिक्सर जार में डाल देंगे। तो साथ में हम बीज भी डाल दे रहे हैं उसका, क्योंकि जब हम जूस को छान लेंगे तो उसमें से बीज जो है वो अलग हो जाएंगे। तो ये देखिए जितना भी तरबूज का जो लाल पोर्शन है वो हम ले लेंगे। ये देखिए देखिए कितनी आसानी से इसका तरबूज का जो लाल पोर्शन है वो निकल गया चम्मच की सहायता से। ये देखिए तो देखिए जूस बनाने के लिए वाटरमेलन का जो रेड वाला पोर्शन है वो एक मिक्सर जार में मैंने निकाल लिया है सारा। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं लगभग आधा चम्मच सेंधा नमक। तो अब देखिए इसमें डाल दूंगा काला नमक। काले नमक से बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। और अब साथ डाल दूंगा इसमें लगभग 2 चम्मच चीनी। और तरबूज जितना जैसे मीठा है तो उस हिसाब से आप चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये तरबूज काफ़ी मीठा है, तो इसलिए मैं इसमें लगभग 2 चम्मच ही चीनी डाल रहा हूँ। और साथ ही अब देखिए इसमें डाल रहा हूँ मैं चाट मसाला। चाट मसाले में काफ़ी सारे स्पाइसेस होते हैं, जैसे काली मिर्च है, जीरा है, तो उसी का काफ़ी अच्छा स्वाद आ जाता है। तो ये देखिए चाट मसाला डाल देता हूँ साथ ही इसमें। और सबसे आखिर में मैं डाल रहा हूँ इसमें ये देखिए आधे नींबू का रस। इससे बहुत ही चटपटा स्वाद आएगा हमारे इस वाटरमेलन जूस में। और साथ ही देखिए मैं 2 आइस क्यूब्स भी डाल दे रहा हूँ। और साथ ही जो हम शरबत बना रहे हैं इसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए इसमें मैं डाल रहा हूँ फ्रेश मिंट। तो इससे बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा जूस में। तो देखिए पुदीने की पत्तियाँ मैंने डाल दी हैं। तो अब हम बढ़िया इसका जो है शरबत जो है जूस जो है तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा वाटरमेलन जूस जो है वो तैयार हो चुका है, और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका रंग आया है। तो अब हम इसे सर्व करेंगे। तो ये देखिए गिलास ले लिया मैंने, और ये देखिए छन्नी ले ली है, और इसमें हम ये वाटरमेलन जूस जो है वो छान लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया गिलास में जूस जो है वो निकल रहा है। ये देखिए तो चम्मच की सहायता से हम ये देखिए जूस जो है वो छान लेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया देखिए जूस जो है वो हमें गिलास में जो है मिल रहा है। और जो ये देखिए ऊपर ये बच गया है, इसमें देखिए बीज हैं तरबूजे के, और जैसे पुदीना डाला था तो उसके जो रेशे हैं वो भी बच गए हैं इसमें। और गिलास में बढ़िया फ्रेश ताज़ा जूस जो है वो हमें मिल रहा है। तो ये देखिए वाटरमेलन का जूस जो है पीने के लिए बिल्कुल तैयार है। और मैंने ऊपर से इसे देखिए मिंट के पत्तों से और नींबू के एक स्लाइस से गार्निश किया है। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा ये वाटरमेलन का जूस जो है तैयार हो चुका है पीने के लिए। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। और जैसे अभी गर्मियाँ बढ़ ही रही हैं तो आपको ये बहुत ही बढ़िया राहत दिलाएगा गर्मी से, आपके शरीर को ठंडक पहुंचाएगा। और कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि आपको ये वाटरमेलन जूस की रेसिपी कैसी लगी।